खेसारी लाल यादव के फैंस हमेशा दावा करते हैं कि खेसारी लाल यादव अपने गानों को ऐड के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। आप सभी ने सुना होगा कि जब पवन सिंह के किसी भी गाने पर ऐड लगता है तो खेसारी के फैंस या उनके फॉलोवर बड़े बड़े अक्षरों में वीडियोस बनाते हैं और उसे पोस्ट भी करते हैं। खैर, आज हम आपके सामने ये सच्चाई लेकर आए हैं कि जो लोग ये कह रहे थे कि नाच की मलकिनिया पर कोई ऐड नहीं लगा है, उनके लिए हमारा जो ये प्रूफ है वो काफ़ी है। आप देख सकते हैं इस फोटो में व्यूज़ के जस्ट ऊपर ऐड लगा हुआ है, बकायदा ऐड लगा हुआ है। और वहीं उसी दिन पवन सिंह का सॉन्ग डीपी वाला सॉन्ग जो था उसका ऑडियो रिलीज़ हुआ था और उस पर जो खेसारी लाल यादव के फैंस हैं वो ये तोहमत लगा रहे थे कि पवन ने अपने इस सॉन्ग में यूज़ किया है ऐड को, इसलिए पवन सिंह का इतना ज़्यादा व्यूज़ है, अदरवाइज़ पवन सिंह का व्यूज़ होता ही नहीं। तो खैर, चलिए ये ऐड की महानता थी, लेकिन अब हम आपको एक और सच्चाई दिखाते हैं जिसे देखने के बाद शायद खेसारी के फैंस थोड़ा ज़मीन पर आ जाए या यूं कह ले कि उन्हें बहुत बुरा लगेगा। चलिए एक और चीज़ देख लीजिए। देसी गैंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खेसारी का दो दिन पहले ही एक गाना रिलीज़ हुआ और उस गाने का नाम था मर्द के दर्द, जो भी आपने इस पोस्टर पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 435,000 व्यूज़ ही हैं उसके, दो दिन में 435,000, और इसका ऑडियो रिलीज़ हुआ। अब आप इसको कंपेयर डीपी वाले सॉन्ग से कर लीजिए। अब आप ये कहेंगे कि इस पे तो ऐड नहीं लगा है, इस वजह से ऐसा आया। हम आपको कह रहे हैं कि ऐड नहीं लगाना या ऐड लगाना ये स्टारडम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर ऐड लगा के नाच की मलकिनिया 9 मिलियन व्यूज़ आ सकता है और ऐड लगा के डीपी वाला सॉन्ग विदाउट वीडियो सॉन्ग ओनली ऑडियो सॉन्ग 5 मिलियंस के ऊपर व्यूज़ जा सकता है, तो आप खुद ही बताइए कि किसके गाने में ऐड लगा जो कि उसको फ़ायदा किया। फ़ायदा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम यहाँ कहेंगे तो लोग हमें ये कहेंगे कि हम सिर्फ एक ही पक्ष की बात करते हैं। खैर, हमने आपको ऐसे दो उदाहरण दिखाए, खेसारी के सॉन्ग के और पवन के भी सॉन्ग के, जो कि भोजपुरी में तकरीबन 90% इस सॉन्ग को आज ऐड के माध्यम से ही प्रचार प्रसार किया जाता है। ये ऐड का माध्यम आप अगर भोजपुरी में कहेंगे कि सिर्फ भोजपुरी में है तो आप गलत कहेंगे। ऐड का माध्यम पंजाबी इंडस्ट्री, जहाँ की संगीत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, वहाँ भी ये चलता है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी अपने गानों को प्रमोट करते हैं, तो गानों को प्रमोट करना आज के समय में ऐड ना लगाना बेवकूफ़ी है। आप क्या कहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, इसे भी बताइएगा। खैर, जो लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि डीपी वाले सॉन्ग पे व्यूज़ ऐड की वजह से आया है, वो फिर नाच की मलकिनिया के इस व्यूज़ को क्या कहेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।